बिजली कंपनी ने सार्वजनिक की है बड़े बकायेदारों की लिस्ट। विधायक से लेकर पूर्व मंत्री का लाखों का बिल बकाया है। 1 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल जमा नहीं करने वाले 118 लोग हैं। बड़े बकायेदारों में विधायक आरिफ मसूद का नाम और पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव का नाम भी शामिल है। बिजली कंपनी ने 3 श्रेणियों में बकायेदारों की लिस्ट जारी की है। सभी को मिलाकर कुल 1,43,759 बकायेदार बिजली कंपनी ने पिछले दिनों जारी किया है ये नोटिस। और देखिए जो बकायेदार हैं उनमें कौन कौन शामिल है ये हम आपको बता रहे हैं। विधायक से लेकर पूर्व मंत्री का लाखों का बिल बकाया है। 1 लाख से ज्यादा बिल जमा नहीं करने वाले लोग जो 118 है। पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव का नाम भी शामिल है। बिजली कंपनी ने 3 श्रेणियों में बकायेदारों की लिस्ट जारी की है। 1 लाख से ज्यादा बकायेदार है। बिजली कंपनी ने सार्वजनिक की है बड़े बकायेदारों की ये लिस्ट। विधायक से लेकर पूर्व मंत्री का लाखों का बिल पेंडिंग है। देखिए 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल नहीं देने वाले की संख्या जो 118 है। पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह जैसे शख्सियत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। 1,43,000 से ज्यादा लोग का बिल जो है वो पेंडिंग है और कई ऐसे लोग हैं जिनका 1 लाख से ज्यादा बिल पेंडिंग है। तो बड़े बकायेदारों में विधायक आरिफ मसूद का नाम भी शामिल है। पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव का नाम भी शामिल है। बिजली कंपनी ने 3 श्रेणी में यानी कि 3 कैटेगरी में बकायेदारों की लिस्ट जारी की है। सभी को मिलाकर 1,43,700 के आसपास बकायेदार हैं जिनका बिजली का बिल पेंडिंग है और लाखों का बिल 1 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका बिजली का बिल पेंडिंग है। उनकी संख्या है 118। अमृतांशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी है। अमृतांशी, आज बिजली कंपनी ने बाकायदा ये लिस्ट जारी की है जिन्होंने बिजली के बिल नहीं दिए हैं और ताजुब की बात है कि इस लिस्ट में विधायक और पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल है। देखिए बहुत ही अजीब बात यह है कि जब कोई आम आदमी होता है और अगर वो बहुत मामूली से हज़ारों रुपए का बिल नहीं भर पाता है तो बिजली कंपनी बकायदा उनके घर पहुंच जाती है और उनके घर की बिजली काट देती है। जाहिर तौर पर परेशानी भी होती है, लेकिन बड़े बड़े ऐसे नाम इस पूरी लिस्ट में शामिल हैं, चाहे वो 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के क्यों ना हो, लेकिन ऐसे कई बकायेदार राजधानी भोपाल में हैं जिन्होंने अपने लाखों लाखों के बिल अभी तक नहीं भरे हैं। और सबसे ताजुब की बात यह है कि 10 लाख से भी ज्यादा का बिजली बिल ऐसे भी बकायेदार हैं जो कि करीबन 115 से ज्यादा हैं संख्या में। इसमें मौजूदा विधायक आरिफ मसूद उनका भी नाम शामिल है, उन्होंने भी लाखों का बिल जमा नहीं किया है, उनके नाम पर ये जगह रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री रहे हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उन्होंने भी लाखों का बिल जमा नहीं किया है। यही नहीं, विधायक तो छोड़िए, पूर्व मंत्री तो छोड़िए, यहाँ पर कई सरकारी कार्यालयों के बिल तक नहीं जमा है। भोपाल स्मार्ट सिटी कार्यालय पर लाखों का बिल है। इसके अलावा पुलिस की कुछ ऐसी जो है कार्यालय या फिर जगह है जहां पर अभी तक बिल नहीं जमा किया गया है। कई कॉलेजेस हैं, कई बड़े बिल्डर और रसूखदारों का नाम इसमें शामिल है। लेकिन देखिए कई बार इनको नोटिस भी भेजे गए हैं। कई बार यहां पर बिजली कंपनी ने ये बात अपनी ओर से कही है कि हम कई बार इनको नोटिस पहुंचा चुके हैं, कई बार इनसे कह चुके हैं कि आप बिजली बिल जमा कीजिए। और इसमें सिर्फ ये लाखों के बकायेदारी नहीं, कई हजारों के जो हम कह सकते हैं कि बिल हैं वो भी शामिल है। लेकिन इस बार बिजली बिल के लिए यहां पर कंपनी ने एक नया तरीका निकाला है। उन्होंने बकायदा इंटरनेट मीडिया पर जितने भी बकायेदार हैं उनके नाम, उनके एड्रेस और उनके नाम पर कितना बिल बकाया है वो सभी सार्वजनिक कर दिया है, जिससे कि लोग यहां पर जल्द से जल्द अपने जो तमाम जो बिजली बिल्स हैं उनको जमा करने के लिए पहुंचे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिजली कंपनी नोटिस दे दे के थक जाती है। राजधानी भोपाल में तो बिजली कंपनी ने बकायदा लोगों के घर पर जाकर नोटिस चस्पा भी किए हैं कि वो बिजली बकायेदार है और उन्होंने बिल जमा नहीं किए हैं। लेकिन जब कोई भी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कंज्यूमर्स की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं होता है कि वो बिजली बिल नहीं भरते हैं या फिर बार बार जानबूझ के बिजली बिल की जो होते हैं, बिजली कंपनी के जो बिल होते हैं या फिर नोटिस होते हैं उनको इग्नोर करते हैं,
हैं, तो यहाँ पर उन्होंने नया तरीका निकाला है और इस तरह से पूरी सूची जाहिर की है। देखिए 1,50,000 से ज्यादा बकायेदार भोपाल के रीजन में है, क्योंकि मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी अलग अलग जो है वो संभागों में काम करती है। भोपाल संभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर 1,50,000 से भी ज्यादा बकायेदार है। इसमें 3 श्रेणियों में पूरी लिस्ट जारी की गई है। सबसे पहली श्रेणी है जो कि 10,000 से ज्यादा के बकायेदार हैं, 10,000 से लेकर 1,00,000 तक के बकायेदार हैं, और उसके बाद 1,00,000 से ज्यादा के बकायेदार हैं जो कि करीबन 10,00,000-20,00,000 तक जो बिल्स हैं वो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो 3 श्रेणियों में सूची सार्वजनिक की गई है, इससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द बिजली कंपनी जो है वो अपने बिल जमा करवा पाएगी। लेकिन ताजुब की बात यही है कि इतने बड़े बिजली बिल जो है वो लगातार लोगों पर बकाया है, वो जमा नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में जो छोटे छोटे बिल होते हैं जो लोग नहीं भर पाते हैं और उनके घर की बिजली काट दी जाती है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि यहाँ पर ये दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जाते हैं। जी बिल्कुल अमृतांशी, बात यही है, कई बार हम देखते हैं जो BPL होते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के आते हैं लोग, उनके घरों में जाकर बिजली विभाग के कर्मचारी जो है बिजली का कनेक्शन काट देती है, लेकिन यहाँ पे तमाम VVIP जो सिटिंग MLA है, पूर्व मंत्री है, उनके इस रवैये के बावजूद ये VIP ट्रीटमेंट उन्हें क्यों दिया जा रहा है विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर यही बात निकलकर सामने आती है जो आपने कही कि बार बार जो है अगर हम एक छोटा सा 3,000-4,000 का बिजली बिल नहीं भरते हैं तो बकायदा बिजली कंपनी किस तरह से जो है वो लोगों के घर पहुंचती है, बिजली काटने की धमकी भी दी जाती है, और ऐसे में जो भी परिवार रहता है या जो भी व्यक्ति होता है वो बिजली बिल भरने को पैसे ना होने के बावजूद भी कई बार मजबूर रहता है। लेकिन देखिए यहाँ पर सिर्फ छोटे मोटे बिल नहीं है, लाखों का बिजली बिल है, बिजली बकायदा सबको मिल रही है लेकिन लाखों लाखों के बिल नहीं दिए गए हैं। ऐसे में तो ये बात सामने निकल कर आती है कि बिजली बिल नहीं भरे गए हैं तो बिजली कहां से दी जा रही है, इसलिए बिजली कंपनी ने यहां पर एक सख्त रवैया अब अपनाया है और तमाम जो बिजली बिल के बकायेदार हैं, चाहे वो बड़े बकायेदार हों या छोटे बकायेदार हों, सभी के लिस्ट सार्वजनिक कर दिए गए हैं, जिससे कि लोगों को भी पता चले कि आखिर ये बड़े बकायेदार हैं कौन जिनको बिजली भी मिल रही है लेकिन वो बिल भी जमा नहीं कर रहे हैं। इसमें जाहिर तौर पर विधायक, पूर्व मंत्री, कई बड़े बिल्डर्स जो हैं उनके भी नाम शामिल हैं जिन पर भी लाखों का बिल बकाया है। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकारी कार्यालय भी हैं कि जिनके नाम पर वहां पर बिल है उन पर भी बिल बकाया है। भोपाल स्मार्ट सिटी का एक कार्यालय है जो कि भोपाल के डेवलपमेंट की बात करते हैं लेकिन उनका खुद का बिजली बिल बकाया है। तो कहीं ना कहीं अब एक सख्त रवैया अपनाया गया है, लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि ये जो पूरी लिस्ट सार्वजनिक की गई है इससे कितना असर ये बड़े बकायेदारों पर होता है और कितनी जल्द से जल्द छोटा सा जवाब, इस लिस्ट जारी करने के बाद कोई डेडलाइन दिया गया है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम तक बिजली का बिल पे करना है? बिल्कुल, देखिए अगले एक महीने के अंदर यहाँ पर तमाम जो ये बिजली बिल के बकायेदार हैं उनको, क्योंकि अब जानकारी लग गई है, क्योंकि ये लिस्ट जारी किए हुए एक दिन हो चुका है, तो अब यहाँ पर जल्द से जल्द उनको बिजली जो है बिल है वो भरना होगा, क्योंकि अब उनके नाम भी सार्वजनिक हो चुके हैं। तो यहाँ पर जाहिर तौर पर अगर ये बिजली बिल नहीं भराए जाते हैं तो यहाँ पर कार्रवाई तो जरूर की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।